नमस्कार साथियों, आज करणी सेना को हिमाचल प्रदेश में 1 साल पूरा हो गया है। तो सबसे पहले मैं इस वर्षगांठ पर हिमाचल प्रदेश के सभी तमाम करणी सैनिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, 1 साल पहले 15 सितंबर को ही मुझे हिमाचल प्रदेश की कमान आदरणीय श्री सूरजपाल अम्मू जी ने दी। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री सूरजपाल अम्मू जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं करणी सेना का हिमाचल प्रदेश में विस्तार कर सकूँ। जैसे कि 1 साल पहले ही करणी सेना ने अपना कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया। मैं सबसे पहले उन सभी तमाम करणी सैनिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने दिन रात लगातार 365 दिन संगठन को खड़ा करने में, संगठन के मजबूत कंधे बनाने में उन सब ने अपना बहुत ही कीमती समय और अहम योगदान दिया। तो मैं उन सभी तमाम करणी सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 1 साल के अंदर हमारे तमाम करणी सैनिकों ने उनके प्रयासों से, उनकी लगन से, उनकी निष्ठा और उनकी संवेदना से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर करणी सेना एक विशाल रूप ले चुका है। मैं यही कहूंगा कि पिछले 1 साल में करणी सेना ने दिन रात समाज हित के कार्यों में काम किया। लगातार हर गरीब और हर शोषित व्यक्ति की मदद करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, कोरोना काल की महामारी में भी अपनी जान की बाजी खेलकर लोगों की समस्याओं को हल किया, उनकी मदद की। तो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने लगातार अपने प्रयासों से, अपनी लगन से हमारे संगठन का जो सीना है वो गर्व से, हमारे संगठन का सिर गर्व से ऊंचा किया। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में करणी सेना का डंका बज रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे संगठन के साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। और इसी तरीके से हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जितने भी साथियों ने जो हमारे साथ पहले साथ थे, कुछ साथी हमारे साथ रहे लेकिन बाद में संगठन को छोड़ के चले गए, तो ये सब संगठन में चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी विपत्तियों के बाद, इतनी समस्याओं के बाद भी अपने संकल्प से कभी नहीं भटके। और मैं उन साथियों को अभी धन्यवाद करता हूं जो अब संगठन को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी जब इस संगठन की शुरुआत हुई थी तो हमारा साथ दिया था और इस संगठन को बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा महत्व योगदान रहा है। तो मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में इस तरीके के हमारा लोगों के साथ, जो हमारे नाराज साथी हैं उनके साथ हमारा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार वालों के साथ हैं। और इसी तरह एक दूसरे के साथ एक पारिवारिक तौर पर हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे, एक परिवार को खड़ा करेंगे। और इस परिवार को, करणी सेना के इस परिवार को हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही विशाल रूप देने में आप सब लोग निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी करणी सैनिकों को और हिंदुस्तान के भी करणी सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ जिनकी लगातार अभी तक बधाइयाँ आ रही है हिमाचल प्रदेश को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन अवसर पर, इस खुशी के दिन पर मैं चाहता हूँ कि सभी साथी इस खुशी को मनाएं और इस खुशी के अवसर पर गरीबों की भी मदद करें और गरीबों के अंदर भी जाकर भोजन का वितरण अवश्य करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं का। जय हिंद,
जय हिमाचल, जय माँ करणी, जय भवानी, जय हिंद। धन्यवाद।